हम लाइफ में बहुत सारी चीजें ये सोच के कर जाते हैं कि अभी हमको बहुत जीना है, 50 साल जीना है, 100 साल जीना है, तो बहुत टाइम है हमारे पास। बट हम अक्सर इस बात को रियलाइज नहीं करते कि ऊपर लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे या किसी बहुत टॉप लेवल पे ऐसी कोई चीज चल रही होती है जो आपकी और मेरी और हमारे आसपास सभी लोगों की लाइफ ऐसे बदल सकती है। एक धमाका हुआ और सारे लोग गायब। ऐसा सोचने से बहुत डर लगता है और ऐसा विश्वास नहीं होता कि रियलिटी में ऐसा हो सकता है। बट मैं आपको बताऊं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ था जब अमेरिका और रशिया, इन दोनों देशों की जनता रात में सोते समय ये सोच के सोती थी कि शायद अगले दिन का सूरज देखने को ना मिले। तो जिज्ञासियम के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये दरअसल क्या चीज थी और क्यों ऐसा कहा जाता है कि इस एक इवेंट ने अमेरिका और रशिया के रिलेशंस को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और ऐसा कह रहे थे लोग कि 1 सेकेंड की देरी पे शायद न्यूक्लियर बॉम्ब्स चल जाते। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया, इन्होंने साथ में मिलकर एलाइड फोर्सेस बनाई थी जो जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ रही थी। बट आपस में इन लोगों में बहुत बनती नहीं थी। ब्रिटेन और अमेरिका में बनती थी, वो एक तरफ थे, और रशिया वो भी एलाइड फोर्सेस का हिस्सा था बट वो अलग ऑपरेट करते थे। इसीलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब अमेरिका और रशिया, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी, उनमें आपसी लड़ाई शुरू हो गई। बट ये लड़ाई ओपन लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई आपस में मन ही मन शांति से हो रही थी, अंडर द सरफेस हो रही थी, और इसीलिए इस लड़ाई को कोल्ड वॉर कहते हैं। अमेरिका और रशिया का कोल्ड वॉर शुरू हुआ था साल 1945 में और ये चला था 45 साल तक। इस पूरे 45 साल के समय के दौरान अमेरिका और रशिया दोनों देशों की जनता को लगता था कि कब कौन किस पे मिसाइल चला देगा और मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। पर ये जो पूरा 45 साल का टाइम था, इस पूरे टाइम का सबसे खराब टाइम या सबसे ज्यादा टेंशन वाला टाइम था 13 दिनों का, 13 डेज का, जिसको कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शुरू हुआ था क्यूबा की वजह से। क्यूबा एक देश है जो बहुत नजदीक है अमेरिका से। आप वर्ल्ड का मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि अमेरिका से सिर्फ 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्यूबा ये छोटी सी कंट्री है। तो साल 1961 में क्या हुआ था कि अमेरिका ने कोशिश की थी कि क्यूबा में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको हटाया जाए, उनको ओवरथ्रो किया जाए। बट अमेरिका की ये कोशिश नाकामयाब रही और इस असफल कोशिश को आज बे ऑफ पिग्स या फिर ऑपरेशन बे ऑफ पिग्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की इस नाकामयाब कोशिश के बाद क्यूबा का जो लीडर था उसका नाम था फिडेल कास्ट्रो, उसने जाके रशिया से मदद मांगी और रशिया के साथ हाथ मिला लिए। इसका मतलब अब क्यूबा की मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए रशिया हेल्प करने वाला था। अब रशिया और यूएस में तो ऑलरेडी कोल्ड वॉर चल रहा था, इन लोगों में तो ऑलरेडी दुश्मनी थी, तो इसीलिए अमेरिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि क्यूबा अब रशिया का सपोर्ट ले रहा है। बट अगर देखा जाए तो इसमें अमेरिका कुछ कर भी नहीं सकता था, क्यूबा ने रशिया से दोस्ती कर ली, उसमें अमेरिका क्या कर सकता है। पर साल 1962 में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जिसकी वजह से यह पूरी सिचुएशन बदल गई। एक अमेरिकन स्पाई प्लेन था जो क्यूबा के ऊपर से बहुत हाइट पे उड़ रहा था, उसने देखा कि एक जगह है क्यूबा में जहां पे रशियन मीडियम रेंज मिसाइल्स रखी हुई है। अब आप सोचिए, क्यूबा में रशियन मिसाइल्स, आपके सबसे बड़े दुश्मन की मिसाइल्स अगर आपके बिल्कुल पड़ोसी मुल्क में रखी हुई है तो ये कितनी खतरनाक बात है। तो इस बात की इंफॉर्मेशन फटाफट अमेरिकन प्रेसिडेंट को दी गई। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे और उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई अपने सारे एडवाइजर्स की। उनके कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स ने कहा कि सर, ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, बहुत गंभीर है, हमको उस जगह पे अटैक करना होगा और जितनी भी मिसाइल्स वहां पे रखी हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि वो मिसाइल्स हमारे अगेंस्ट यूज की जा सकती हैं। बट कुछ एडवाइजर्स ये कह रहे थे कि हमको इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए, हमको वायलेंस को खुद इनिशिएट नहीं करना चाहिए, हमको उनको बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग देनी चाहिए। अब अल्टीमेटली कितना भी लोग एडवाइस दे दें, फैसला हमेशा प्रेसिडेंट का होता है, हमेशा लीडर को ही फैसला लेना होता है। पर यहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक चतुराई दिखाई। अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ पानी है। तो प्रेसिडेंट कैनेडी ने यह कहा कि क्यूबा के आसपास नेवल क्वारंटीन किया जाएगा। अब ये नेवल क्वारंटीन क्या है? देखिए, जब दो देशों में आपस में लड़ाई होती है तो वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की नेवी को मूवमेंट फ्रीली ना करने दें, इसीलिए ब्लॉकेड लगा दिया जाता है पानी पे ताकि इस जगह की शिप्स यहां पे ना आ पाए और बाकी शिप्स भी जो इस देश को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं वो वहां तक पहुंच ना पाए। ये तो होता है नेवल ब्लॉकेड।
कैनेडी के नेवल क्वारंटीन का प्लान ये था कि कोई भी ऐसी शिप क्यूबा में ना पहुंच सके जिस शिप में मिसाइल से रिलेटेड सामान हो जो अमेरिका को खतरा दे सके, और इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल नेसेसिटीज का सामान होता है जैसे इंडस्ट्रियल सामान, आपका जो चीजों की जरूरत होती है किसी कंट्री को, वो सामान आ रहा है तो वो आ सकता है, बट हथियार से रिलेटेड सामान नहीं आएगा क्यूबा में। और इसके साथ साथ कैनेडी ने रशिया को एक मैसेज भी भेजा कि उनको अपनी मिसाइल्स क्यूबा से हटानी होंगी। अब रशियंस को ये बात अच्छी नहीं लगी। रशियंस ने कहा कि अमेरिकन्स ने ये जो नेवल क्वारंटीन किया है ये दरअसल एक एक्ट ऑफ वॉर है, यानी युद्ध की पहल है। रशियंस का ये कहना था कि अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स पे या इंटरनेशनल एयर स्पेस पे जिसपे हर कंट्री का अधिकार है उस पे अगर आप ब्लॉकेड लगा देंगे और बाकी कंट्रीज वहां नहीं जा सकती, तो इस तरह से आप उस देश को लड़ाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उस समय के रशियन प्रेसिडेंट क्रुश्चेव ने यह कहा कि ऐसा करना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस पूरी सिचुएशन को लेकर रशिया इसलिए भी नर्वस था क्योंकि अमेरिका ने अपनी कुछ मिसाइल्स टर्की, जो देश रशिया के नजदीक है, वहां अपनी मिसाइल्स रखी हुई थी। तो इसीलिए रशिया ये चाहता था कि अगर रशियन मिसाइल्स क्यूबा में आ जाएंगी तो फिर ये फिर बराबरी का मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि कुछ अमेरिकन मिसाइल्स रशिया के नजदीक है तो वैसे ही कुछ रशियन मिसाइल्स अमेरिका के नजदीक आ जाएंगी। और इसीलिए रशिया और क्यूबा ये दोनों कंट्रीज ये कह रही थी कि जितनी भी क्यूबा में मिसाइल्स हैं रशिया की वो सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए हैं, वो किसी पे अटैक करने के लिए नहीं है। बट फिर भी अमेरिका बहुत नर्वस था इस पूरी बात को लेकर। अक्टूबर 27 को एक अमेरिका का स्पाई प्लेन रशिया ने शूट डाउन कर दिया। इस न्यूज से अमेरिकन बहुत भड़क गए। उस समय माहौल इतना खराब हो गया था कि लोग इस बात को मान चुके थे कि अब किसी भी दिन न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है, और इसीलिए लोग भर भर के ग्रोसरीज और घर में खाने पीने का सामान इकट्ठा करके संभाल के रखने लगे क्योंकि बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर अक्टूबर 27 जिस दिन अमेरिका के प्लेन को एक रशियन मिसाइल ने गिराया था, ठीक उसी दिन एक रशियन सबमरीन जो क्यूबा के नजदीक थी बट पानी के अंदर सबमर्ज थी, उसके ऊपर एक स्मॉल डेप्थ चार्ज गिराया एक अमेरिकन शिप ने। उस डेप्थ चार्ज से थोड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ और रशियन सबमरीन के अंदर जो रशियन ऑफिसर्स थे उनको लगा कि भाई न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है। अब इस सबमरीन में भी न्यूक्लियर वेपन्स लगे थे, तो जब इस सबमरीन के कमांडर को लगा कि यार लगता है वॉर शुरू हो चुका है, तो उस सबमरीन के कमांडर ने डिसाइड किया कि हम अपनी न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर देंगे अमेरिका के ऊपर। बट अमेरिका ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया था, उन्होंने एक डेप्थ चार्ज गिराया था, वो एक वार्निंग डेप्थ चार्ज था जो सबमरीन को यह कहना चाहता था कि आपको सरफेस पे आना पड़ेगा, अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे एक नेवल क्वारंटीन चल रहा है। उस सबमरीन के अंदर तीन ऑफिसर्स थे और न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए इन तीनों ऑफिसर्स की सहमति का होना जरूरी था। अगर तीनों ने यस नहीं कहा तो न्यूक्लियर वेपन फायर नहीं कर सकते। तीन में से दो ने कह दिया फायर कर दो, बट जो तीसरा रशियन सबमरीन का ऑफिसर था उसको इस बात पर डाउट हुआ। उसको लगा कि जो सबमरीन के बाहर एक्सप्लोजन हुआ है जरूरी नहीं है कि वो सबमरीन पे अटैक करने के लिए किया गया हो सकता है कि अमेरिका का जो क्वारंटीन चल रहा है ये सिर्फ एक वार्निंग ब्लास्ट था जिससे वो चाह रहे थे कि हम ऊपर हैं। और इस बंदे ने कहा कि हम न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च नहीं करेंगे, और ये सबमरीन ऊपर आई और इन्होंने अपने आप को उस अमेरिकन शिप के सामने आइडेंटिफाई किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान हम सबसे नजदीक पहुंचे थे एक न्यूक्लियर वॉर के, क्योंकि अगर वो रशियन कमांडर जिसका नाम था वैसिली आर्किपोफ, अगर वो ये बात कह देता कि हाँ ये न्यूक्लियर मिसाइल चला दो, तो फिर अमेरिका भी न्यूक्लियर मिसाइल चलाता और फिर दुनिया का क्या बनता नहीं कह सकते। बट वैसिली आर्किपोफ ने इस मिसाइल को लॉन्च करने की परमिशन नहीं दी और उस समय के लिए ये विपदा टल गई। बट ये तो बात रही इस इंसिडेंट की, बट इसके अलावा क्यूबा में तो अभी भी रशिया की मिसाइल्स थी और अमेरिका को इस बात से अभी भी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो क्राइसिस तो फिर भी चल रहा था। बट इस पूरी सिचुएशन में एक ड्रामेटिक टर्न आया, वो तब हुआ जब अमेरिका के एक न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट को एक रशियन एजेंट ने सीक्रेटली कॉन्टैक्ट किया, और उस रशियन एजेंट ने उस न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट को यह बताया कि रशिया अपनी मिसाइल्स क्यूबा से निकाल लेगा अगर अमेरिका ये वादा करे कि वो क्यूबा को इन्वेड नहीं करेगा, यानी क्यूबा पे हमला नहीं करेगा। अब ये खबर, ये मैसेज एक न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट को दी गई थी, वो एक ऑफिशियल इंसान, सरकारी इंसान नहीं है, इसीलिए इस मैसेज की वैलिडिटी को लोग चेक करने के लिए लग गए कि इस बात में सच्चाई है कि नहीं, क्योंकि ऑफिशियली रशियन सरकार से ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया था। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपनी जनता को यह कह दिया था कि किसी भी वक्त सिचुएशन खराब हो सकती है और वॉर हो सकता है। बट उसी दिन अमेरिका की शाम को रशियन प्रेसिडेंट का एक लेटर आया अमेरिकन प्रेसिडेंट को। उस लेटर में रशियन प्रेसिडेंट ये कह रहे थे कि हम दोनों कंट्रीज एक बहुत ही टेंस सिचुएशन के रस्सी के दोनों तरफ खड़े हैं और बहुत जोर से खींच रहे हैं, हम दोनों को रिलैक्स करना जरूरी है, अगर हमने रिलैक्स नहीं किया तो ये सिचुएशन हाथ से निकल सकती है और तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है।
ये मैसेज में लिखा हुआ था। दूसरे दिन अक्टूबर 27 को रशियन प्रेसिडेंट क्रुश्चेव का एक नया मैसेज आया कैनेडी के पास, और उसमें ये लिखा था कि इस क्यूबा से मिसाइल निकालने के लिए जो भी डील होगी उस डील में ये भी होना चाहिए कि अगर हम क्यूबा से अपनी रशियन मिसाइल्स निकालते हैं तो अमेरिका को भी टर्की से अपनी मिसाइल्स निकालनी होगी। जवाब में कैनेडी ने कहा कि ठीक है, हम ये वादा करते हैं कि अमेरिका क्यूबा पे हमला नहीं करेगी और इसके बदले में रशियंस को अपनी मिसाइल्स क्यूबा से निकालनी होंगी। ये बात कैनेडी ने कही, बट सीक्रेटली कैनेडी ने अपने अमेरिकन अटॉर्नी जनरल को, जिसका नाम रॉबर्ट कैनेडी था, उनको कहा कि जाके रशियन डिप्लोमैट जो समय अमेरिका वॉशिंगटन में थे उनसे मिलिए और उनसे एक डील करिए। उस डील में अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी ने यह ऑफर किया कि ठीक है, हम टर्की से भी अपनी मिसाइल्स निकाल लेंगे, हम वैसे भी निकालने वाले थे बट हम अब वो काम जल्दी कर देंगे, बट ये पब्लिकली इस बात को हम ऐसे इस डील का पार्ट नहीं बनाएंगे, वो हम अलग से करेंगे। तो तुरंत रशियन एम्बेसडर ने रशिया में फोन लगाया और बोला कि वो ऐसी डील ऑफर कर रहे हैं और हमको ये डील लेनी चाहिए, नहीं तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। और फिर अगले ही दिन अक्टूबर 28 को रशिया का मैसेज आ गया कि ठीक है, हम क्यूबा से अपनी मिसाइल्स निकाल लेंगे इस शर्त पे कि अमेरिका क्यूबा में हमला नहीं करेगी, और इस तारीख को ऑफिशियली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एंड माना जाता है। इसके बाद अगले ही महीने अमेरिका ने नवंबर 20 को जो क्यूबा के आसपास नेवल क्वारंटीन लगा के रखा था उस क्वारंटीन को उन्होंने बंद कर दिया, और उसके कुछ महीनों बाद अप्रैल 1963 में अमेरिका ने अपनी मिसाइल्स टर्की से भी निकाल ली। तो इस तरह से ऐसी सिचुएशन जो इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, लोगों को लगने लगा था कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा, उस सिचुएशन को डिप्लोमेसी से बातचीत करके सुलझा दिया गया और दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी मिसाइल्स जगह से हटा दी। इस पूरी सिचुएशन में अमेरिका और रशिया ने यह बात रियलाइज की कि उनमें इतना सीक्रेट कम्युनिकेशन हो रहा है, इतने लोगों के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ इसी पर्पस के लिए अमेरिका और रशिया में एक सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन सेट की गई। इस लाइन को हॉटलाइन भी कहते हैं। हालांकि उस समय इन दोनों देश की जो सरकार थी उनको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत बोला ऐसा कि अपने दुश्मन के साथ आप ऐसे बार्गेन कर रहे हो और डील्स कर रहे हो, ये सही नहीं है। बट आज ये पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि इन दो लीडर्स ने जो समझदारी और शांति दिखाई डिसीजन लेने के लिए, उस वजह से तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के ऊपर एक बहुत ही कमाल की बुक है जो लिखी है उसी अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी ने, जिन्होंने ये डील सीक्रेटली ऑफर की थी रशियन डिप्लोमैट को। उस बुक का नाम है 13 डेज अ मेमोर ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उस बुक को जरूर पढ़िए अगर आप इस पूरे क्राइसिस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में ये कहानी बहुत पॉपुलर है कि उस रशियन सबमरीन में जो तीन कमांडर्स थे उनमें से जो एक कमांडर थे वैसिली आर्किपोव, अगर उन्होंने टिक मार्क लगा दिया होता, अगर उन्होंने थम्स अप कह दिया होता कि हाँ ये मिसाइल लॉन्च कर दो, तो शायद न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका होता, वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका होता और आज दुनिया बिल्कुल ही अलग होती। वैसिली आर्किपोव को एक हीरो की तरह आज याद किया जाता है और मैं उनकी कहानी से बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ। वैसिली आर्किपोव की कहानी बताने के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक आपको टॉप कॉर्नर में मिल जाएगा और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने का सजेशन मुझे एक व्यूअर वैराब ने दिया था, सो थैंक्स अ लॉट वैराब फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।